मैं डॉक्टर जीएल महावाल बीएड थर्ड ईयर की छात्राओं को हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तुलसीदास भक्तिकालीन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक साहित्यकार हैं। इनके साहित्य में भारतीय जीवन लेके उच्च कोटि के आदर्श जीवन मूल्य मिलते हैं। इनका साहित्य बहुत समृद्ध और बहुत सशक्त है। इनके साहित्य को सत साहित्य कहते हैं क्योंकि इनके साहित्य में इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के जो आदर्श जीवन मूल्य हैं, जो आदर्श विचार हैं, भारतीय समाज में एकता विविधता समानता समाज में रहने के तौर तरीके रहन सहन उन सबका इनके काव्य में इनकी रचनाओं में जो देखने को मिलता है सुनने को मिलता है वह बहुत ही सशक्त एवं आदर्श उच्च कोटि का है। इनकी रचनाएं भी बहुत सारी थी लेकिन साहित्यकार विद्वानों ने इनकी रचनाओं को जो इन्हें मिली इन्हें माना कि ये प्रामाणिक ग्रंथ है। उन प्रामाणिक ग्रंथों का यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। तुलसीदास का रचना कार्य व्यापक और विस्तृत है। निम्नलिखित ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं जो निम्नानुसार हैं। नंबर एक रामलला नहचु। नंबर दो वैराग्य संदीपनी। नंबर तीन जानकी मंगल। नंबर चार पार्वती मंगल। नंबर पाँच वर्वे रामायण। नंबर छः रामाज्ञ प्रसन्न। नंबर सात कवितावली। नंबर आठ दोहावली। नंबर नौ गीतावली। नंबर दस श्री कृष्ण गीतावली। नंबर ग्यारह विनय पत्रिका। नंबर बारह रामचरितमानस। नंबर तेरह हनुमान बाहुक। इन सब रचनाओं में हम बात करें तो रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे कि महाकाव्य कहते हैं और एक जीवन का प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो जीवन दर्शन है वो जीवन दर्शन में मिलता है। इनकी जो विनय पत्रिका है उस विनय पत्रिका में इन्होंने अपने आप को भगवान राम का दास माना है और दास भक्ति करते हुए उनसे विनय करते हैं किस प्रकार से मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं आप मेरे विनय हैं उसको स्वीकार करें। इनकी
छवि रचना जो है अवधि भाषा में, गीतावली और विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में। रामचरितमानस ही एक ऐसा महाकाव्य है जिस कारण से ये सर्वश्रेष्ठ कवि साहित्यकार बन जाते हैं, क्योंकि रामचरितमानस के अंतर्गत ही ये बातें जीवन का धर्म ग्रंथ मानते हैं। भारतीय हिंदू धर्म के सभी लोग रामचरितमानस को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इस धर्म ग्रंथ के अंतर्गत भारतीय जो शैली है, भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो जीवन मूल्य है, भारतीय जो संस्कृति है, वो आदर्श रूप में प्रस्तुत की गई है। और इसी कारण से वो कहते हैं कि इसको जितना पढ़ें, इससे जितना सीखें, जितना ज्ञान लें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें एक आज भी वही ज्ञान मिलता है, वही तरोताजगी मिलती है, वही आदर्श का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है जो कि उस समय होता था। अतः इनका रामचरितमानस जीवंत महाकाव्य है, जो कि आज भी वर्तमान में भी यह है, अपने आप ही चरित्र को मखान करता है और अपने आप ही जीवन के वर्तमान में भी इसको आदर्श को प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।